हाय गाइस, दिस इज अपने दोस्तों और आज हम एक वीडियो जो है और लेके हाजिर हो चुके हैं। इस हफ्ते में मेरी ये दूसरी वीडियो, मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं हफ्ते में दो वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। तो मेरे फ्रेंड से में बात हो रही थी गाइस बीयू यूनिवर्सिटी की, तो मैंने उसको जो है गूगल पे देखा, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी साथ साथ जो है बताया जाए। तो मैंने जो है पूरी पीडीएफ तैयार करके रखी हुई है, मुझे यूनिवर्सिटी अच्छी लगी। एक हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छी मेरे को यूनिवर्सिटी लगी, प्लेसमेंट देख के तो मेरे को और भी अच्छा हो गया, मेरा चेहरा एकदम ऐसे हो गया था। तो मैंने फिर उस कुछ स्टूडेंट्स को इंस्टाग्राम पे जो है मैसेज करके पूछा उसके बारे में, तो आज यही के बारे में बात करने वाले हैं, प्लेसमेंट के बारे में बात करने वाले हैं कि कितनी हाइप है, क्या 53 लाख रुपीज़ जो है सच में हाईएस्ट पैकेज इनका गया था कि नहीं गया था। तो ये सब चीज़ों के बारे में आज बात करने वाले हैं। पीडीएफ मैंने रेडी कर ली है, उसमें रैंकिंग स्टैटिस्टिक और क्या कहते हैं प्लेसमेंट के बारे में, कौन कौन सी कंपनीज़ आती है, टॉप रिक्रूटर्स हो गया, फैसिलिटीज़ के बारे में, हॉस्टल के बारे में, फ़ीस के बारे में, सब चीज़ को मैंने बताया हो। और बहुत लोगों ने कहा कि भैया आप कंक्लूज़न देना लास्ट में भूले जा रहे हो, तो मैं कंक्लूज़न भी आप लोगों को इस वीडियो में दूंगा। तो जल्दी से करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस, जैसे कि आप सब देख सकते हो, मैंने बेनेट यूनिवर्सिटी की जो है पीडीएफ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे खोल ली हुई है, तो जो कि आप लोगों के सामने है। तो भाई सबसे पहले आप देख सकते हो बेनेट यूनिवर्सिटी का नेम लिखा हुआ है, द टाइम्स ग्रुप जिसने उसको बनाया था और जिसकी ये यूनिवर्सिटी है उन वो ग्रुप का नाम भी लिखा हुआ है। लोगो जो है काफ़ी अच्छा देख सकते हो, मुठूत फाइनेंस की तरह मुझे लोगो लगता है, बट कोई लोग ऑफेंड मत होना यार, मैंने बस ऐसे ही थोड़ा सा हंसी के लिए कर दिया है। और काफ़ी अच्छा जो है फोटो जो है देख सकते हो, काफ़ी सुंदर जो है फोटो लगी हुई है, जो कि देखने से लग रहा है कि वो कैंपस जो है खूब हरा भरा होने वाला है। तो पहले पॉइंट की तरफ चढ़ते हैं अपने, इट्स स्टैट्स एंड रैंकिंग। तो भाई मेरे लिए तो मेन पॉइंट होता है कि रैंकिंग कितनी आती है, भाई बेनेट यूनिवर्सिटी की वीडियो बना रहे हैं, रैंकिंग उसकी कितनी है, एंड आई हैव डिड नॉट गिव एनी रैंक। अब ये जो मैंने लिखा हुआ है ना, एंड आई हैव डिड नॉट गिव एनी रैंक, यार इसे देख के ऑफेंड मत होना प्लीज। अभी जल्द ही वीडियो मैंने IIIT लखनऊ की डाली है, उसमें भी जो है NIRF को जो है कोई रैंक नहीं दी गई थी, क्योंकि ये जो है अभी नया कॉलेज बना हुआ है। IIIT लखनऊ 2015 में बनी थी और ये 2016 में बना हुआ है, तो इसके कारण जो है NIRF ने अभी तक की कोई रैंकिंग नहीं दी हुई है। लेकिन इन दोनों कॉलेजेस के जो है प्लेसमेंट बहुत बढ़िया गए हैं, तो उसी चीज़ों पे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इस्टेब्लिश्ड इन 2016, कैंपस एरिया की साइज़ की बात करते हैं, 60 एकड़। 60 एकड़ जो है काफ़ी बढ़िया कैंपस एरिया होता है, IIIT लखनऊ का भी लगभग इतना ही था। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, मोड ऑफ एडमिशन, आप दाखिला कैसे ले सकते हैं इस कॉलेज में। दाखिला लेना यहाँ पे बहुत ही इजी है, डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, कोई भी आपको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है, 12th के नंबर्स के बेसिस पे आपका एडमिशन हो जाएगा। बस आपको एप्लीकेशन फॉर्म फीस भरनी पड़ेगी जो कि 1000 रुपीज़ है। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, कनेक्टिविटी, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है इंसान को उस कॉलेज के पास पहुंचने में। तो आप लोगों को अगर आप लोग ट्रेन से जाएंगे तो आप लोग जो है मेट्रो पकड़ लीजिएगा, 5 किलोमीटर दूरी पर रहेगा पारी चौक मेट्रो स्टेशन ग्रेटर नोएडा में। और एयरपोर्ट से जाते हैं जो बच्चे, तो उनके लिए सबसे करीबी एयरपोर्ट पड़ेगा 60 किलोमीटर की दूरी पर, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि न्यू दिल्ली में है। तो अब बढ़ते हैं अपनी फ़ीस की तरफ, फ़ीस कितनी होने वाली है गाइस। तो फीस जैसे कि देख सकते हो, ट्यूशन फीस मैंने दिखाया हुआ है, 3,60,000 रुपीज़ पहले साल का आपको देना पड़ेगा। ये कॉलेज की फ़ीस है, मैंने चार्ट भी लगाया हुआ है कॉलेज की ही वेबसाइट से स्क्रीनशॉट लेके, देख सकते हो फी स्ट्रक्चर फॉर बीटेक सीएसई। तो इसमें देख सकते हो ये सीएस वाले बच्चों के लिए जो है फ़ीस लिखी हुई है यहाँ पे, ट्यूशन फीस जो है आपकी एक साल की जो है 3,60,000 रुपये, फिर वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस है 45,000 रुपये, फिर वन टाइम सिक्योरिटी डिपॉजिट है 30,000 रुपये। आप अगर ट्विन शेयरिंग जो है हॉस्टल ले रहे हो तो 1,75,000 रुपीज़, और लॉन्ड्री और क्या कहते हैं इसमें जो है सब चीज़ें जो है इसमें ऐड करी गई हैं, तो आपका पहले साल का ये सब का कॉस्ट निकाला जाए तो 6,10,000 रुपीज़ जो है आपका कॉस्ट आता है। इस तरह से आप देख सकते हो पहला साल, दूसरा साल, तीसरा, चौथा साल सब लिखा हुआ है, उसके बाद जो है टोटल अमाउंट भी लिखा हुआ है, जो कि मैंने भी लिखा हुआ है टोटल अमाउंट है। टोटल 4 साल में आपकी जो है सीएस अगर आप ब्रांच लेते हैं तो आपको जो है यहाँ पे 22,15,000 रुपये जो है इतने इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और ROI की हम बात करते हैं तो अभी हम उसको आगे डिस्कस करेंगे, प्लेसमेंट में ROI की कैसे होने वाला है। अब बात कर लेते हैं जो बच्चे CS ब्रांच में नहीं जाएंगे, जो मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल में जाना चाहेंगे तो उनकी फ़ीस कितनी पड़ेगी। तो बस आप ये देख सकते हैं कि उनकी फ़ीस जो है 3,60,000 की जगह 3,50,000 रुपये है, तो बस इतना ही, ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, बस थोड़ा ही बहुत जो है 10-20,000 रुपये का फ़र्क है। तो आप देख सकते हो, इसीलिए मैंने चार्ट लगाया हुआ है और आपकी बार जो है मैंने PDF को भी जो है जूम करके दिखा रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को देखने में आसानी हो। और
जो मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इन सब जो अदर ब्रांच रहेंगे उनका 4 साल में जो है कॉस्ट आएगी 21 लाख रुपीज़, 75,000 रुपीज़। तो 21 लाख 75,000 रुपीज़ जो है, इतनी जो है अदर ब्रांच की जो है कॉस्ट आने वाली है। तो यानी कि एक हिसाब से देखा जाए तो इसकी जो फीस है बहुत हाई है। अब बढ़ते हैं अपने हॉस्टल में जितने भी जो है ट्विन शेयरिंग और ट्रिपल शेयरिंग के रूम में। तो भाई ट्विन शेयरिंग में अभी आपको दिखाया चार्ट में लिखा हुआ है, ट्विन शेयरिंग अगर ट्विन शेयरिंग रूम लेते हो तो आपको 1,75,000 रुपये पर ईयर देना पड़ेगा। लेकिन आप तीन ट्रिपल शेयरिंग रूम देंगे, ट्रिपल शेयरिंग हॉस्टल रूम अगर आप लेते हैं तो आपको जो है 1,50,000 रुपीज़ पर ईयर देना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ बात कर लेते हैं अब हम लोग स्कॉलरशिप की। भाई इतनी ज़्यादा फीस है तो स्कॉलरशिप कैसे हमें मिल सकती है? अगर आपका सपना है, आप जा रहे हैं स्कॉलरशिप बेस पे जा रहे हैं, तो आपको जो है कैसे स्कॉलरशिप मिल सकती? पहले बात करते हैं हम लोग सीएसई ब्रांच की तरफ से, जो कंप्यूटर साइंस में जाना चाहेंगे उनके बारे में बात करते हैं। तो भाई स्कॉलरशिप की बात करें तो आप अगर सीएसई ब्रांच लेते हैं तो आपको जो है सिर्फ 50% तक की जो है स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आपके 12th में जो है 95 से ज़्यादा है तो या 95% है तो आपको 50% मिल जाएगी। उसी प्रकार से आपके 90% के ऊपर अगर जेई मेंस में है तो आपको 50% मिल जाएगी। यही तरीके से सैट स्कोर भी देखा जाएगा और आई बी स्कोर भी देखा जाएगा। इसी प्रकार से आप वीडियो को पॉज करके और हमारे चार्ट को जो है पूरे तरीके से देख सकते हैं, उसमें जो है मैंने बताया हुआ है। लेकिन ये स्कॉलरशिप 1 साल की होती है, 4 साल को आपको बराबर स्कॉलरशिप पाने के लिए जो है आपको अपना CGPA को मेंटेन करना पड़ेगा, जो कि आपका 10 में से 8 CGPA आपका होना चाहिए और आपके कोई भी डिसिप्लिन जो है ब्रेक नहीं करे होने चाहिए, कोई भी आपकी बैकलॉग नहीं आनी चाहिए। अगर ये आपकी आ जाती तो स्कॉलरशिप जो है आपकी हटा दी जाएगी। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप अदर्स के लिए, मतलब और कोई ब्रांच में अगर जा रहा है या BBA करने, MBA करने, जो भी जा रहा है उसको कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ये अदर्स ब्रांच के लिए है, ये इंजीनियरिंग की ही है। अदर्स ब्रांच में अगर आप जाते हो तो 75% तक की जो है आपका कवरेज हो जाता है स्कॉलरशिप में। सर आपको बाकी जो रिडीम करने के लिए जो है सब कुछ जो है वही रहेगा। 95% आप 12th में लाते हैं या उसके बराबर लाते हैं तो आपको 75%, और 80% या 80% से ज़्यादा लाते हैं तो जेई मेंस में, तो आपको 75% जो है पूरी आपको जो है मिल जाने वाली है स्कॉलरशिप। और जो है इस बार जो है CUT स्कोर भी यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, जैसे कि 2022 में आप जो है CUT पेपर्स देख के जो है आप एडमिशन ले सकते हो। ये देखिए मैंने इसको जो है पूरा येलो कर दिया है, ऊपर भी जो है CUT स्कोर दिया गया हुआ है CS ब्रांच में, तो आप ये देख सकते हो। और ये 1 साल की स्कॉलरशिप है, इसको आपको 3 साल और बराबर चलाने के लिए आपको जो है इसमें 10 में से 7 CGPA को जो है मेंटेन करना पड़ेगा और कोई भी बैकलॉग नहीं, कोई भी डिसिप्लिन आपको जो है ब्रेक नहीं करना पड़ेगा। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हाइप बना हुआ है प्लेसमेंट्स की तरफ। तो देख सकते हो प्लेसमेंट्स को बहुत अच्छे से मैंने डिफाइन किया हुआ है, इसमें जो है इनके सारे रिक्रूटर्स और इतना पैकेज जितना सब लिखा हुआ है। पहले पॉइंट की तरफ से बात करते हैं तो टोटल ऑफ 190 प्लस कंपनीज विजिटेड द कैंपस ड्यूरिंग बेनेट यूनिवर्सिटी बीटेक प्लेसमेंट 2022। तो 190 से ज़्यादा जो है कंपनी जो है बेनेट यूनिवर्सिटी में आई थी 2022 में, और एडोबी ने जो है सबसे हाईएस्ट पैकेज दिया था, इंटरनेशनल पैकेज था 53 लाख रुपीस का। इंटरनेशनल गाइस इसमें मैंने गलत लिख दिया है, मैं डोमेस्टिक लिख रहा था वो इंटरनेशनल लिख गया है। ये डोमेस्टिक पैकेज जो है 53 लाख रुपीस का जो है पर एनम का मिला था। ओवरऑल पैकेज की बात करते हैं तो 11.01 लाख रुपीस पर एनम है, और इनके कुछ टॉप रिक्रूटर्स हैं एडोबे, अमेजोन, गूगल, गोल्डमैन सैक्स एसेट्रा। तो आप यहां पे देख सकते हो जो इस बार जो है 190 से ज़्यादा जो है कंपनियां आई थी। यहां पे मैंने जो है बेनेट यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट से जो है मैंने स्क्रीनशॉट लेके बताया हुआ है आपको कि इनका पैकेज जो है एवरेज 11.1 लाख रुपीस पर एनम गया था और हाईएस्ट गया था 57 लाख रुपीस पर एनम गया था इस बार का। तो ये काफ़ी बढ़िया है कि 53 लाख रुपीस का जो पैकेज था वो 57 लाख रुपीस पर एनम हो गया है। और देख सकते हैं 10 लोग ऐसे थे जिनको 27 लाख का पर एनम पे जो है कंपनी ने उनको पैकेज दिया हुआ है। अब बात करते हैं टॉप रिक्रूटर्स की। टॉप रिक्रूटर्स तो मैंने आपको बता दिया, बट मैंने जो है यहाँ पे इमेज भी चिपकाई हुई है टॉप रिक्रूटर्स में, एडोबे, अमेज़न वेब सर्विसेज, और क्या कहते हैं गोल्डमैन सैक्स, डेल, गूगल, हिटाची, इन्फोसिस, जस्ट पे, मास रिक्रूटर्स कंपनी भी यहाँ पे आती हैं और वो भी जो है बहुत सारे बच्चों को लेती हैं, और माइक्रोसॉफ्ट जैसी इन सब में जो है बड़ी कंपनी आती हैं। तो अब बात कर लेते हैं प्लेसमेंट की। क्या ये जो प्लेसमेंट इन्होंने दिखाया हुआ है 53 लाख रुपीज़ पर एनम हाईएस्ट पैकेज इनका कॉलेज से ही गया है, और इनका एवरेज पैकेज क्या इतना ही है 11.01? इतना ज़्यादा एवरेज पैकेज है एक प्राइवेट कॉलेज में? तो गाइस देखो कुछ बच्चे होते हैं, ये जो 53 लाख रुपीज़ जो इनका पैकेज गया था, ये जो है हालांकि ये जो है कुछ कैंपस से इनके पैकेज गए थे, हाईएस्ट पैकेज गए थे। इन्होंने अपनी वेबसाइट पे ये नहीं बताया हुआ है कि कौन बच्चे जो है ऑफ कैंपस से प्लेसमेंट लेके गए हैं, कौन बच्चे ऑन कैंपस से प्लेसमेंट लेके गए हैं। तो जो भी बच्चे यहाँ से पढ़ के जो ऑफ कैंपस के थ्रू गए हैं वो भी जो है इन्होंने ऐड करे हुए हैं। तो इनका जो है काफ़ी बढ़िया जो है एलुमिनाई सिस्टम भी
हो रहा है, साथ ही साथ जो इनका काफ़ी अच्छा जो है पैकेज जा रहा है, इसी के कारण जो है एवरेज पैकेज भी इनका काफ़ी हाई आ गया था। बट कुछ सालों में इन्होंने कंप्यूटर साइंस की जो है सीटें जो है बढ़ा दी हैं, जिससे कि बच्चे आए हैं उसके कारण जो है एवरेज पैकेज नीचे आता जा रहा है। तो जिसके कारण जब बच्चे ज़्यादा आएंगे तो एवरेज पैकेज कम होता जाएगा। गाइस ये जो है आप देख रहे हो 53 लाख रुपीज़ जो है कैंपस से ही जो है पैकेज गया हुआ है, 57 जो है कैंपस से गया है। माइक्रोसॉफ्ट ने 44 लाख रुपीज़ के जो है पैकेज दिए हैं 3-4 लड़कों को, उन्होंने जो है ऑफ कैंपस भी फोड़ा हुआ है और ऑन कैंपस भी फोड़ा हुआ है। तो कंपनी कॉलेज में कंपनी आ रही है वो आपकी क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि आप पढ़ रहे हो तो आपके अंदर कितने जो है क्वालिटी है, जिसके कारण आपको कंपनी जो है हाईएस्ट पैकेज पे जो है वो हायर कर सके। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होने वाला है हॉस्टल। हॉस्टल शुड स्टूडेंट हॉस्टल एट फुल स्टैंड विल बी एबल टू एकोमोडेट 6000 स्टूडेंट। तो भाई 6000 स्टूडेंट जो है रह सकते हैं हॉस्टल में और हॉस्टल रूम्स आर गुड। भाई हॉस्टल रूम जो है काफ़ी बढ़िया है, ये देखिए मैंने फ़ोटो लगा के रखी हुई है, ये मेरे को ऑफिशियल वेबसाइट से जो फ़ोटो मिली थी मैंने वही ऑफिशियल वेबसाइट से जो है फ़ोटो लगाई हुई है। एक कॉमन रूम भी दिया गया है हर हॉस्टल में, यहाँ जहाँ पे कॉमन रूम में जो है गेम्स इंडोर गेम्स हैं, एक टीवी है, कैरम है, टेबल टेनिस है और जो है पूल भी है खेलने के लिए। तो ये सब चीज़ें जो है दिया गया हुआ है। बेसिक एमिनिटीज़ भी दी गई हैं आपको, एसी, कंफर्टेबल बेड्स, कबर्ड्स और सारी भी चीज़ें जो है आपके रोज़मर्रा के काम में आती वो सारी चीज़ें जो है आपको प्रोवाइड कर रहा है हॉस्टल। लॉन्ड्री फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है, इनका जो वाईफाई जो लैन का कनेक्शन है वो भी काफ़ी बढ़िया है और हर एक कमरे में जो है टेबल चेयर स्टडी लैम्प कबर्ड ये सब चीज़ों के बारे में दिए सब चीज़ें दिए हुए हैं। साथ ही साथ इंटरनेट कनेक्शन भी दिया गया है, हालांकि इंटरनेट कनेक्शन जो है कैंपस तक की बढ़िया है बट हॉस्टल में जो है थोड़ा सा वीक हो जाता है इंटरनेट कनेक्शन, ऐसा मेरे को जो है वहाँ के थोड़े बहुत स्टूडेंट्स ने जो है मुझे बताया है। आप लोगों की अगर जान में कोई हो तो यार आप लोग कमेंट्स में हमें बता सकते हो कि वहाँ का इंटरनेट कनेक्शन कैसा है। और अभी तक की वीडियो यार अच्छी लग रही हो ना तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन आता है कि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो जो है कॉलेज के प्रति लेते आता रहूं अपने चैनल पे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, फैसिलिटीज़। तो फैसिलिटीज़ जो है इनकी काफ़ी बेहतरीन फैसिलिटीज़ में से एक पॉइंट आता है लाइब्रेरी। हाँ गाइस ये देख सकते हो ये लाइब्रेरी है, ये आप ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वर्चुअल जो टूर करा रहे हैं लाइब्रेरी का मैंने वहाँ से स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। लाइब्रेरी देखी थी वाकई में बहुत बढ़िया लाइब्रेरी है यहाँ की, 9 बजे से 11 बजे तक की जो है लाइब्रेरी खुली रहती है। 2 लाइब्रेरी हैं यहाँ पे, सेंट्रल लाइब्रेरी, लॉ लाइब्रेरी, दोनों लाइब्रेरी जो है 9 बजे से 11 बजे तक की जो है खुली रहती है। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के बारे में, तो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी जो है इनका काफ़ी अच्छा है, जो कि यहाँ पे गेम्स अच्छे खासे प्रोवाइड करता है, वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटीज़ देता है। इनका जिम जो है बहुत बढ़िया है, स्क्वाश कोर्ट्स भी है, इंडोर गेम भी है, आउटडोर गेम भी है, बास्केटबॉल कोर्ट्स, बैडमिंटन कोर्ट, स्विमिंग पूल, बिसाइड फुटबॉल फील्ड, लॉन टेनिस और वॉलीबॉल कोर्ट्स, क्रिकेट ग्राउंड्स, तो ये सब चीज़ें के बारे में जो है काफ़ी अच्छा है। और अभी मैंने आपको बताया था वाईफाई के बारे में कि इनके कैंपस में जो है वाईफाई काफ़ी अच्छा है, तो वही मैंने लिखा हुआ है। हेल्थ सर्विसेज की बात करते हैं तो लगभग सारे कॉलेजेस में 24 घंटे 7 दिन 365 दिन हेल्थ सर्विसेज जो है रहती हैं, तो वही तरह से जो है हेल्थ सर्विसेज इनके क्या भी, इसमें भी मैंने पॉइंट लिखा हुआ है द लस ग्रीन कैंपस, जो इनका जो है काफ़ी बढ़िया कैंपस है, ग्रीन कैंपस है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट से तरफ बढ़ते हैं, कॉन्स। भाई खराबी क्या है, इतनी देर से तारीफ कर रहे हैं, अब कुछ ना कुछ कॉन्स होंगे। तो भाई फीस जो है बहुत हाई है, कॉलेज जो है थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है कर्फ्यू टाइमिंग्स को लेके कि आपको 11 बजे जो है आपको आ जाना चाहिए। नो क्लियरिटी इन प्लेसमेंट, प्लेसमेंट को जो है अभी इन्होंने अपनी वेबसाइट पे क्लियरिटी नहीं दी गई है कि कितने बच्चे ऑन कैंपस जाते हैं कितने बच्चे ऑफ कैंपस जाते हैं। कॉलेज जो है थोड़ा सिटी से जो है दूर है और जिम और स्पोर्ट्स की जो फैसिलिटी है वो अच्छी तो है लेकिन वहाँ पे क्राउड बहुत है। एलुमिनाई नेटवर्क जो है अभी वीक है, वो धीरे धीरे आगे चल के स्ट्रॉन्ग हो रहा है क्योंकि ये अभी रीसेंट 2016 की ही यूनिवर्सिटी है, इससे जो है इनके बैचेस जो है कम निकले हुए हैं। तो आप लोग ये सब जो है पॉइंट्स को कंसीडर करिएगा तब आप लोग जो है इस यूनिवर्सिटी में जाइएगा। अब बात करते हैं फेस्ट की तरफ, फेस्ट कौन सा होता है, तो यूफोरिया नाम का इनका जो है एनुअल कल्चरल फेस्ट होता है बेनेट यूनिवर्सिटी में, और यहाँ पे फ्रेशर पार्टी भी देते हैं। सीनियर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो फ्रेशर्स को फ्रेशर पार्टी भी देते हैं वहाँ, इसमें मिसेस एंड मिस्टर फ्रेशर भी बनते हैं। तो ये सब जो है वहाँ पे खूब सारे गेम्स वेम्स होते हैं, वही सब मैंने ये पॉइंट में लिखा हुआ है, काफ़ी अच्छा है। मेरे कॉलेज में भी ऐसा होता है लेकिन मेरे कॉलेज की इतनी फ़ीस नहीं है और मैं जिस कॉलेज में आके जाऊँगा वहाँ पर भी इतनी फ़ीस नहीं है। तो गाइस क्लब्स एट बेनेट यूनिवर्सिटी की अब बात कर लेते हैं, क्लब्स कौन कौन से हैं, कल्चरल क्लब।
बहुत सारे क्लब हैं इसमें, मैंने 4 क्लब्स लिखे हुए हैं। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे आपको बहुत सारे क्लब्स देखने को मिल जाएंगे, आदिवैता, वर्ब, इसैक, ऑन्स, इन सब चीज़ों के जो है क्लब हैं। इन सब चीज़ों में मैं आपको बता देता हूँ, वर्ब जो है आपको जो है वेस्टर्न डांस लवर मिल जाएंगे, और एडवैटा में जो है आपको वो जो है लवर, म्यूज़िक लवर जो है आपको इस ग्रुप, इस क्लब में मिल जाएंगे आपको। और आप इसमें गाना गा भी सकते हो, और जो है गाना क्रिएट करके एक रिदम में जो है फ्लो के तौर पर आप जो है अपना वहाँ पर नाम भी बना सकते हैं। और आईसैक में जो है गाइस, आप अगर हमारी तरह यूट्यूब पे वीडियो पे काम करते हैं तो इस तरह से जो है आप फिल्म मेकिंग का काम और फोटोग्राफिंग, डिज़ाइनिंग, इस सब चीज़ों की जो है अपनी स्किल्स को प्रदर्शित कर सकते हो, साथ ही साथ जो अपनी स्किल्स को जो है और भी बढ़िया कर सकते हो। अंश की बात कर लेते हैं, अंश में जो है आप अगर कोई नुक्कड़ नाटक जिसको एक्टिंग करने का शौक़ है वो अंश में जा सकता है, वो एक्टिंग कर सकता है, काफ़ी बढ़िया स्टेज पर एक्टिंग करेगा। और भाई यार, अगर आप करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हो तो कॉलेज में आपका एक अलग ही नाम हो जाता है। ये मैंने 2 साल से गलती करी है, लेकिन मैं आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला रहा हूँ, तो आप लोग ये गलती मत करिएगा। आप लोग जो है करिकुलर एक्टिविटीज़ में और ये सब क्लब्स को ज्वाइन करिएगा, जिससे कि आप लोगों का कॉलेज में एक इम्प्रेशन बने और आप लोगों को जो है पूरा कॉलेज जाने। बात करते हैं स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की, तो भाई वहाँ पे थोड़े ही पॉइंट्स लिखे थे, वो एक ही पॉइंट्स में मैंने समझा दिया था आपको। यहाँ पे मैंने आराम से जो है आपको हर एक स्टेप बाय स्टेप में जो है स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के बारे में बताया। फुटबॉल फील्ड इक्विप्ड विद फ्लड लाइट्स, आउटडोर सिंथेटिक टर्फ लॉन टेनिस कोर्ट्स, इंडोर स्क्वाश कोर्ट इन AC इंडोर कॉम्प्लेक्स, इंडोर बैडमिंटन कोर्ट इन AC इंडोर कॉम्प्लेक्स। तो ये सब चीज़ें देख सकते हो, आराम से वीडियो को रोको, स्क्रीनशॉट लो, देखो। जो स्विमिंग पूल है MIT यूनिवर्सिटी के बाद, एक ये यूनिवर्सिटी का मैं रिव्यू कर रहा हूँ जहाँ पे स्विमिंग पूल है, और जितने भी कॉलेज के किया है उसमें स्विमिंग पूल नहीं है, लेकिन MIT यूनिवर्सिटी लखनऊ में स्विमिंग पूल नहीं है, MIT यूनिवर्सिटी नोएडा वाले कैंपस में जो है स्विमिंग पूल था। तो इसमें 4 फीट की जो है गहराई है, 30 फुट चौड़ा और 50 फुट लंबा है स्विमिंग पूल। बाहर आउटडोर गेम्स खेलने के लिए भी आपके पास वॉलीबॉल और क्या कहते हैं क्रिकेट ग्राउंड्स, ये सब चीज़ों के जो है बहुत सारे ग्राउंड्स हैं, बास्केटबॉल कोर्ट्स हैं और बैडमिंटन कोर्ट भी दिए हुए हैं, फूसबॉल भी आप खेल सकते हो बहुत सारे, और यहाँ पे 8 बॉल पूल भी है और स्नूकर भी है, जो कि ये बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी दिया है। ये बहुत जगह जो है ये गेम्स जो है नहीं प्रोवाइड करते हैं यूनिवर्सिटीज़ में। बेस्ट थिंग अबाउट BU, तो भाई बेस्ट थिंग अबाउट बेनेट यूनिवर्सिटी के बारे में भी बात कर लेते हैं। कॉन्स की बात करी तो अब अच्छे के बारे में भी बात कर लेते हैं, यानी कि प्रॉस के बारे में। CSE ब्रांच इज़ वेरी गुड, ज़्यादातर बच्चे जो हैं CS ब्रांच में ही यहाँ पे अपना एडमिशन कराते हैं, तो CS ब्रांच जो है वाकई में इनकी अच्छी है। प्लेसमेंट भी जो है ज़्यादातर CS ब्रांच के ही हाई टॉप पे गए हुए हैं, और क्लब्स जो है काफ़ी अच्छा हुआ है, और करिकुलर एक्टिविटीज़ भी जो है हुआ करती रहती हैं। जितने इनके फैकल्टी मेम्बर्स हैं वो सारे जो है PhD होल्डर हैं। कोडिंग कल्चर जो है बहुत ज़्यादा गुड है, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि सारे ज़्यादातर बच्चे यहाँ पर CS ब्रांच में एडमिशन लेते हैं, तो कोडिंग कल्चर इसके कारण जो है बहुत ही अच्छा है। कैंपस इज़ गुड एंड ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़िया है और कैंपस भी बढ़िया है। प्लेसमेंट्स आर गुड, जो कि आप देख सकते हो हाईएस्ट पैकेज काफ़ी अच्छे जा रहे हैं, साथ ही साथ जो है इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी इज़ वेरी गुड। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, 4.2 लाख रुपीज़ पर मंथ इनके यहाँ से बच्चे ने इंटर्नशिप करी थी, उसकी हाईएस्ट इंटर्नशिप स्टाइपेंड इतनी थी यार, मतलब एक ये आप 2 महीने के तो आराम से करोगे, तो वो बच्चे ने तो 8,40,000 रुपये तो ऐसे ही कमा लिए। तो आप जो है जा सकते हो, इस चीज़ को अपने जो है एक्सप्लोर कर सकते हो। तो कंक्लूजन की बात करते हैं, कंक्लूजन जो है हमारा इस कॉलेज को लेके बेनेट यूनिवर्सिटी का बारे में बात करी जाए, ROI के बारे में। मेन कंक्लूजन में गाइस ROI ही देखा जाता है कि आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसा है। तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जितना रुपए आप लगा रहे हैं 22 लाख रुपए, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे प्लेसमेंट के हिसाब से देखा जाए तो यार इतना आप लगा रहे हो तो कवर भी बहुत जल्दी करे ले रहे हो। हालांकि इंटर्नशिप भी जो है यहाँ पे जो है बहुत सारे मौके आपको मिलते हैं, अगर आप बढ़िया फोड़ने वाले हो तो आप जो है बहुत ही जल्दी जो है अपना पैसा रिकवर कर सकते हो। इस कॉलेज के लिए अगर कोई भी क्वायरी हो ना, तो गाइस मैंने एक डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया, उस नंबर पे आप कॉल करिएगा, और इस वेबसाइट का मैंने एप्लीकेशन फॉर्म भी नीचे दे दिया है, आप लोगों को अगर इसमें एडमिशन लेना है तो उस फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा, बट पेमेंट मत करिएगा। इससे जो है इन्फॉर्मेशन जो है बस आपकी कॉलेज तक ही पहुँच जाए, उसके बाद कॉलेज वाले आपसे जब खुद कंसर्न कर ले, खुद आपसे पूछेंगे, जब आप सेटिस्फाई हो जाइए तब इस कॉलेज में नाम लिखवाइएगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म भी जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और नंबर भी दिया हुआ है, अगर किसी भी चीज़ की क्वायरी है तो आप इस नंबर पर कॉल करिए, स्क्रीन पर भी नंबर आ रहा है, और फॉर्म जो है फिलअप कर दीजिएगा अपने लिए। तो गाइस कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय और जय हिंद, वंदे मातरम, अच्छे रहिए, सेफ रहिए गाइस।